हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा कि सोफोस SSL सर्टिफिकेट कैसे हम किसी सिस्टम में इंपोर्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कैसे जनरेट करते और डाउनलोड करते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे सिस्टम में इंपोर्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटीज पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का आइकॉन दिख रहा है, जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जो आई बटन में आपको डिस्प्ले हो रही है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे जैसे क्लिक किया गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। अब हमको क्या करना है, विंडोज आर प्रेस करना है और यहाँ पे MMC टाइप करना है और इसको इंटर कर देना। अब यहाँ से सर्टिफिकेट कैसे इंपोर्ट करते सिस्टम में, मैं वो आपको बताऊंगा। और इसको कर देना यस। यस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एंड रिमूव इसके ऊपर क्लिक करना है। जब ऐड एंड रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है माई यूजर अकाउंट सिंगल यूजर के लिए करें, सर्विस अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट। तो आपको कंप्यूटर अकाउंट सेलेक्ट करना है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर भी, हो सकता है कोई यूजर्स भी उसमें क्रिएट हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है लोकल कंप्यूटर या अनदर कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको लोकल कंप्यूटर करना और इसको कर देना फिनिश। फिनिश करने के बाद गाइस इसको कर देना आपको ओके। ओके करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट का यहाँ पे पेज खुल गया है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथोराइज इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है आपको और राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ऑल टास्क पे क्लिक करना है और इंपोर्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इंपोर्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट का पाथ, जो हमने ये वाली फाइल डाउनलोड किया है इसका डिटेल पूछ रहा है कि ये फाइल कहाँ पे है। तो आपको यहाँ से कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा ब्राउज करने के लिए, बोला फाइल नेम, तो हम ब्राउज करके इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ओपन कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अथॉरिटी सर्टिफिकेट आ गई है और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे पूछा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथोराइज करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूछा यूजर्स का डिटेल बता रहा, सर्टिफिकेट स्टोर सेलेक्ट बाई यूजर ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथोराइज और इसको कर देना फिनिश। फिनिश जैसे करेंगे ये सेव हो जाएगा, द इम्पोर्ट हुआ सक्सेसफुली। अब इसको कर देना हमको क्लोज, ओके करना है, इसको बंद कर देना है। और जैसे बंद करेंगे गाइज, यहीं पे हमसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब क्या होता है कि सेव कंसोल सेटिंग करना है हमको, इसको यस कर देना है और कहीं भी आप सेव कर लीजिए इसको। क्या होगा कि फिर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जा रहा है हमारा सर्विसेज, इसको हमने कर दिया सेव। बस इतना ही करना गाइज, इसके अलावा कुछ नहीं करना गाइज। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।